नमस्ते दोस्तों, आज हम UPPCS मेन में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और हिस्ट्री ऑप्शनल में वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वर्साय की संधि, इसके प्रावधान और इसके मूल्यांकन। शुरुआत करते हैं। वर्साय की संधि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई संधि थी। मित्र राष्ट्र यानी जो प्रथम विश्व युद्ध जीते थे। यह 4 महीनों के अथक प्रयासों से तैयार हुई थी और इस पर विचार करने के लिए जर्मनी को केवल 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था। जब जर्मनी द्वारा इस संधि का विरोध हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज द्वारा जर्मनी के साथ पुनः युद्ध की धमकी दी गई। इसीलिए जर्मनी को वर्साय की संधि स्वीकार करनी पड़ी। आइए जानते हैं इसकी शर्तें क्या थी। सबसे पहले इसके प्रादेशिक व्यवस्था। अल्सास लोरेन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीन लिया गया था, उसे फ्रांस को दे दिया गया। जब 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया था, उस समय जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंशु ने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए राइन नदी के किनारे पर, उस क्षेत्र को कहते हैं राइनलैंड, करीब 31 मील का क्षेत्र स्थायी रूप से असैन्यकरण कर दिया गया, यानी वहां पर सैनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और प्रावधान किया कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं राइनलैंड के उत्तरी भाग पर 5 वर्ष तक, मध्य भाग पर 10 वर्ष तक और दक्षिणी भाग पर 15 वर्ष तक क्षेत्र में सुरक्षा करने हेतु मौजूद रहेंगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फ्रांस को डर था जर्मनी के आक्रमण का। सार क्षेत्र के कोयला खानों पर फ्रांस का स्वामित्व स्थापित हो गया। सार क्षेत्र एक जर्मनी का क्षेत्र था। इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था राष्ट्रसंघ के अधीन संचालित होनी थी और 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जाना था और यह तय किया गया जाएगा कि यहाँ के लोग जर्मनी अथवा फ्रांस किसके साथ रहना चाहते हैं। यदि जनमत संग्रह का परिणाम जर्मनी के पक्ष में आता है तो इस स्थिति में जर्मनी इन कोयला खदानों को एक निश्चित रकम देकर फ्रांस से खरीद सकता है। जर्मनी की पूर्वी सीमा के अधिकांश भाग को छीनकर नवनिर्मित राज्य पोलैंड को दे दिया गया, मतलब एक नया राज्य बना दिया गया जर्मनी की पूर्वी सीमा के क्षेत्र को छीनकर पोलैंड, और पोलैंड को समुद्री सीमा प्रदान करने के लिए जर्मनी के बीचों बीच से ही एक गलियारा निकाल दिया गया, यानी एक रास्ता निकाल दिया गया और पोलैंड को दे दिया गया। इसको पोलिश गलियारा कहा गया। इस कारण पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से अलग हो गया, प्रशा यानी जर्मनी का एक भाग। डोंजिंग बंदरगाह को एक स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया गया और इसे राष्ट्रसंघ के अधीन रख दिया गया। मेमेल बंदरगाह को पहले राष्ट्रसंघ और बाद में लिथुआनिया के अधीन कर दिया गया। श्लेश्विक का प्रसिद्ध क्षेत्र जो 1864 में बिस्मार्क ने डेनमार्क से छीन लिया था, उसे जनमत संग्रह करवाकर पुनः डेनमार्क को ही लौटा दिया गया। साइलेशिया क्षेत्र का एक भाग चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। जर्मनी के कुछ क्षेत्र बेल्जियम को भी मिले, जैसे यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी। जर्मनी के 4 अफ्रीकी उपनिवेश थे। इसके अलावा उसके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कुछ द्वीप भी थे, उनको छीनकर मित्र राष्ट्रों के संरक्षण में रख दिया गया। इस तरह अगर देखा जाए तो जर्मनी का 13% भूभाग और 10% जर्मन आबादी जर्मनी के हाथ से निकल गई और यह स्पष्ट था कि अब जर्मनी के अंदर प्रतिशोध की भावना होगी ही होगी। सैन्य व्यवस्था देखते हैं। जर्मन सेना की अधिकतम संख्या केवल 1 लाख निश्चित कर दी गई और यह तय किया गया कि जर्मन सेना में अब केवल 6 युद्धपोत और 6 गश्ती जहाज ही होंगे। जर्मनी का एक प्रधान सैनिक कार्यालय था, उसे समाप्त कर दिया गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब वो सैन्य सामग्री और युद्ध के लिए उपयोगी सामग्री पर उत्पादन नहीं कर सकता था। जर्मनी के खर्च पर मित्र राष्ट्रों द्वारा एक सैन्य आयोग स्थापित किया गया जो कि जर्मनी के निशस्त्रीकरण की निगरानी करेगा। आर्थिक व्यवस्था देखते हैं इस संधि की। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जितनी भी क्षति हुई उसकी भरपाई का भार जर्मनी पर डाल दिया गया।
1921 तक यह प्रावधान किया गया कि जर्मनी 5 अरब डॉलर जमा करे, और साथ ही यह तय किया गया कि क्षतिपूर्ति आयोग बनेगा और उसकी संस्तुति पर ही अंतिम रकम तय की जाएगी भरपाई की। वर्साई की संधि का मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन देखते हैं। आरोपित संधि, ये एक आरोपित संधि थी क्योंकि संधि तैयार करने में जर्मनी की कोई भी भूमिका नहीं थी, जर्मनी को सिर्फ हस्ताक्षर करने की भूमिका मिली थी और जर्मनवासी इसे थोपी हुई संधि मानते थे। अपमानजनक प्रावधान, इस संधि के प्रावधान अपमानजनक इसलिए थे क्योंकि देखो अल्सास लोरेन का प्रदेश फ्रांस को दे दिया गया, राइनलैंड मित्र राष्ट्रों की सेना को 15 वर्ष के लिए, और सार क्षेत्र राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया, उस सार क्षेत्र की शासन व्यवस्था को भी राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया, और सैन्य क्षमता का दमन किया गया, और अत्यधिक क्षतिपूर्ति की मांग जर्मनी से की गई और जिसकी पूर्ति करना जर्मनी के लिए संभव नहीं था। प्रतिशोधात्मक संधि यानी बदले की संधि, संधि का उद्देश्य शांति स्थापना न होकर विजेता राष्ट्रों की स्वार्थ पूर्ति और पुरानी शत्रुता का प्रतिशोध लेना था। विश्वासघाती संधि, जर्मनी के साथ विश्वासघात भी हुआ था क्योंकि जर्मनी जो ने युद्ध समाप्त किया था वो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर किया था। ये 14 सूत्र में था कि जैसे कि जर्मनी के व्यापार पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण हो गया, ये इन 14 सूत्रों के खिलाफ था, और जर्मनी की अखंडता का पालन नहीं हुआ, ये भी इन 14 सूत्रों के खिलाफ था। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन नहीं, आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी विल्सन ने दिया था। इसके अनुसार एक जाति, एक भाषा और एक संस्कृति के लोगों को अपना अलग राज्य बनाने की स्वतंत्रता होगी, पर जर्मन जो जनता थी उसे जर्मनी से अलग कर दिया गया और अन्य राष्ट्रों के अधीन रख दिया गया। वैचारिक संघर्ष, लोकसन ने कहा था कि विल्सन के आदर्शवाद और सम्मेलन के भौतिकवाद में तीव्र विरोध था और ज्यादातर मामलों में भौतिकवाद विजयी रहा। आदर्शवाद यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, और भौतिकवाद यानी फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंशु और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, ये इन्होंने भौतिकवाद यानी इन्होंने स्वार्थवादी नीति अपनाई थी और विल्सन ने यहाँ पे आदर्शवादी नीति अपनाई थी। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।